वो जो पीड़ित किसान है उनको न्याय दिलाने के लिए रहा हो, लेकिन यहाँ पे जमीन होती है चकबंदी न्यायालय चलता है, उसकी प्रक्रिया को लेके इनके इश्यूज थे, जो प्रक्रिया को लेकर इनके इश्यूज थे उसके रिस्पेक्ट में ये कुछ साल पहले 6-7 साल पहले भी इन्होंने कुछ आवेदन किया कर होगा, उस पर कुछ कार्रवाई हुई थी लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इनका ये कहना था कि जो ज़मीन है वो चक था, जब न्यायालय में चला तो वो चक इन्होंने हाईवे की तरफ दे दिया किसी और का, और उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जांच ऑलरेडी SDM लेवल पे बैठा दी गई थी। इन्होंने अभी दिसंबर में पहले हफ्ते में इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था, उसके रिस्पेक्ट में SDM लेवल पे जांच बैठा दी गई थी। SDM इज ऑल्सो एन SDM ऑफिसर, साथ में हमने उसमें और भी हमारे अधिकारियों को इन्वॉल्व करा था। जाँच अभी गतिमान थी। अब जाँच जो ये इसकी रहती है, इन्होंने SDM साहब ने 17 तारीख को सारे उनके जो रिकॉर्ड थे वो तलब किए थे, लेकिन उसी बीच इन्होंने ये बोल दिया कि 15 तारीख को हम करेंगे। उसके रिस्पेक्ट में SDM साहब ने इनसे 2-3 बार बात भी करी थी तो ये सेटिस्फाइड सील कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है और यदि इनको लग रहा है न्याय नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थोड़ा। सर कहीं ना कहीं 15 बीघे जमीन की 32 बीघे जमीन बढ़ा दी गई है तो एक बड़ा घोटाला है। देखिए वो तो अगर 15 की 32 है तो घोटाला ही है, लेकिन पहले देखना पड़ेगा 15 की 32 हुई है कि नहीं हुई है। और दूसरा ऐसे अनेक मामले चल रहे हैं, ये चकबंदी में अभी चल रहा है, चकबंदी प्रक्रिया में चल रहा है अभी, जो चकबंदी अधिक देखिए उस पर वो बात आपकी सही है, लेकिन उस पर भी कोई कमेंट नहीं कर सकते। एक आदमी को पहले तो जान बचाना इम्पोर्टेंट था, उसमें हमने सारी बात अभी तो फिलहाल सबसे एम है, क्योंकि अभी बंदा तो नीचे आ गया है, लेकिन उनका हेल्थ चेकअप कराएंगे, अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि और भी अंदरूनी मानसिक संतुलन बिगड़ने की यदि हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उसका एक बार चेकअप करा देते हैं। सर देखिए जो चकबंदी का रहता है, चकबंदी जो न्यायालय चल रहे होते हैं वो हमारे कुछ कुछ विलेजेस रहते हैं उनकी में चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं हर जगह चल रहे होते हैं। चकबंदी का एक डेजिग्नेटेड स्टाफ होता है कंसोलिडेशन एक्ट के तहत, वो न्याय सुनते हैं, न्याय को उसको लाते हैं, अमल में लाते हैं। यदि किसी का उसमें कुछ ज़मीन 25% का शायद वेरिएशन अलाउड रहता है, ऊपर नीचे 25% कम 25% ज़्यादा हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है अगर 15 को 32 करा गया है तो वो गलत है, और उसमें जांच बैठ के इनको पास अपील का भी ऑप्शन रहता है जिसमें आपके SOC के बाद DOC के पास जाता है और भी और लेवल्स पे जाता है। एक सेकंड और SIT की अगर जांच चल रही होगी, क्योंकि अगर 2017 में चली थी तो आपको पता होना चाहिए उसका फिर फाइंडिंग क्या है। फाइंडिंग आपने देखी एक बार, आप एक बार उसकी फाइंडिंग जरूर देख लीजिएगा। सर आपके द्वारा धारा 144 के तहत पत्रकार भी गिरफ्तार हो जाएंगे, सर क्या रहेगा? यार उस समय क्या था, ये अटेंशन सीक कर रहे थे, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा एरिया खाली हो जाए, बात करके नीचे आ जाएगा। आप जो ऐसे सेंसिटिव मामले रहते हैं उसमें पत्रकार लोग का हमेशा हमें सपोर्ट रहता है, और आप लोगों ने एरिया भी तुरंत क्लियर करा। हम लोग आपके क्योंकि हम लोग भाईचारा है, साथ में रह के प्रशासन और मीडिया एक दो हाथ होते हैं, एक ही अंक के दो हाथ हैं, तो मिलके काम किया, और मुझे बहुत आप लोग को धन्यवाद करना होगा कि आपने बहुत सपोर्ट करके हमें एरिया खाली करवाया फटाफट से,
और पूरा अपने सपोर्ट करके वो करवाए, क्योंकि अगर आप उस समय सपोर्ट नहीं करते तो उनको नीचे उतारना बहुत मुश्किल था। चेतावनी से आज से 5-6 दिन पहले दी गई के द्वारा और मीडिया को भी बयान दिया। हां, उनसे 3 बार उनसे यार बात करी थी, परसों बात करी थी, 2 दिन पहले बात करी थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है हो गया। तो हम तो मानते हैं कि गुड फेथ में कि मान गया गया, अब आगे से ध्यान रखेंगे कि गुड फेथ की जगह आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये हमारे लिए लर्निंग है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट किया।